अग्निपथ योजना देश हित में नहीं बल्कि देश में अराजकता फैलाने वाली योजना है। ये योजना रक्षा के मामले में पूरी तरह से लंगड़ी योजना है। ये बात ब्रिगेडियर टीएस ठाकुर, चेयरमैन एक्स सर्विसमैन कांग्रेस डिपार्टमेंट हिमाचल, यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही, देश की रक्षा के साथ ऐसा भद्दा मजाक ठीक नहीं। 6 माह में कोई भी सैनिक नहीं बनता और 4 वर्ष में कोई सैनिक रिटायर नहीं होता। 4 वर्ष बाद युवा बेकार बैठकर अराजकता फैलाने में मशगूल होगा। ऐसा सैनिक जिसका भविष्य नहीं होगा, वे देश की रक्षा कैसे कर पाएगा? उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 5 वर्षों बाद एक्स सर्विसमैन व अर्ध सैनिक बल की याद आई है, तभी वे ज्वालामुखी में आकर रैली को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक मोदी सरकार एक्स सर्विस में व अर्ध सैनिक बल को ठगती रही है और हिमाचल आ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि वे हमारी मांगों की घोषणाएं करेंगे या फिर अभी भी झुंझुना थमाने वाले हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का हिमाचल में देवभूमि आने का हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हम उनसे एक सवाल करते हैं कि उन्होंने अभी तक जो है हमारी 1 रैंक 1 पेंशन जो है डिमांड जो है उन्होंने फुलफिल नहीं की है और वो आगे डेट से डेट दे रहे हैं और अभी हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है, आगे दिसंबर में भी क्या पता हमारी जो डिमांड जो है वो फुलफिल करते हैं। ये उनकी कमिटमेंट थी कि हम वो 5 साल में जो है वो रिव्यू करेंगे, वो अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं। और साथ में ही अभी जो उन्होंने जो एक रिक्रूटमेंट की योजना लाई है, अग्निपथ योजना लाई है, ये भी एक लंगड़ी योजना है, तो इसमें ना कोई रैंक है ना कोई पेंशन है और 4 साल में जो है वो 25% जो वो रेगुलर हो जाएंगे और 75% जो है वो कैंडिडेट घर को आएंगे और 75% जो कैंडिडेट घर को आएंगे उन वो जो आगे पढ़ाई के लिए जो है वो ओवरेज हो जाएंगे और उनकी जॉब के लिए भी वो ओवरेज हो जाएंगे। और साथ में ही हमें पूरा डर है कि 4 साल में जो जब आएंगे वो कुछ ना कुछ राइफल चलाना तो सीखेंगे और वो क्या करेंगे, वो अनएम्प्लॉयमेंट होंगे और देश में जो है वो अराजकता फैलाने का जो है वो हमें इसकी आशंका है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।